हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब अगर आप कोई नया 5G फोन लेने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं 5G के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कंपनीज किस तरह से मार्केटिंग गिमिक कर रही है 5G के नाम पे और हमें बेवकूफ बना रही है। तो हो क्या रहा है दोस्तों आज की डेट में कि कंपनीज अपने पुराने वेरिएंट को नया करके लॉन्च कर रही है और उसको 5G नाम से बेच रही है। फॉर एग्जांपल सैमसंग का M32 जो 5G वेरिएंट आया, उसका जो पुराना बेस वेरिएंट था 4G वाला, वो कुछ 17,000 का था, और जो 5G वेरिएंट आया वो दोस्तों 21,000 का है। उसमें प्रोसेसर वगैरह थोड़ा सा चेंज किया है, बट कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आपसे 4,000 रुपये प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है 5G के नाम पे। अब थोड़ा सा हमें यह समझना होगा कि क्या आज की डेट में हमें 5G की जरूरत है भी या नहीं दोस्तों, क्योंकि 5G इंडिया में देखो दोस्तों जब आएगा तो आई थिंक 2 या 2.5 साल लग जाएंगे उसको फुल फ्लेजेडली इंडिया में आते आते। और एक सर्वे के अनुसार ये पता लगाया गया था कि 52% लोग अपना फोन 2 साल के बाद बदल देते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो 2 साल में अपना फोन बदल देते हो, तो फिर आपको 5G फोन लेने का कोई जरूरत नहीं है आज की डेट में, क्योंकि जब तक आप अपना नया फोन लेने जाओगे तब तक 5G इंडिया में आएगा ही नहीं। दूसरा, अगर आप दोस्तों उन लोगों में से जो 4-5 साल अपना फोन चलाते हैं, तो आप 5G ले सकते हो, बट अगेन आज की डेट में 5G लेना दोस्तों रिस्की है, क्योंकि जब इंडिया में 5G आएगा तो हमें नहीं पता कि उसमें कितने बैंड्स आएंगे, कौन से बैंड्स आएंगे। सो ये बैंड्स वगैरह क्या होते हैं इसमें हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं। बट अगर आप आज के डेट में फिर भी 5G फोन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको दोस्तों देख के लेना होगा कि उन 5G फोन्स में सिंगल या डुअल बैंड्स नहीं होने चाहिए। अब ये सिंगल डुअल बैंड्स थोड़ा सा समझते हैं, उससे पहले हम समझेंगे दोस्तों 5G के बारे में। सो बेसिकली 5G दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक सब 6 GHz और एक mm वेव, जिसको मिलीमीटर वेव भी बोलते हैं। अब इनमें दोस्तों 3 बैंड्स आते हैं टोटल, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स। जो सब 6 GHz है दोस्तों, उसमें लो और मिड फ्रीक्वेंसी बैंड मिलते हैं आपको, और जो mm वेव बैंड है वो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स आता है। सो अब होता क्या है दोस्तों कि नॉर्मली आपको मिड रेंज के फोन्स में लो फ्रीक्वेंसी बैंड और मिड फ्रीक्वेंसी बैंड ही मिलेंगे, जो हाई रेंज के जो फ्लैगशिप लेवल के फोन होते हैं उसमें ही आपको mm वेव बैंड देखने मिलेगा। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि जब 5G आएगा तो 1 Gbps तक का स्पीड मिलेगा, बट दोस्तों इससे पढ़ने वगैरह के लिए अच्छा लगता है, बट ऑन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 1 Gbps स्पीड तभी मिलेगा जब आपके फोन में mm वेव बैंड है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है, और वो आपको मिलेगा दोस्तों फ्लैगशिप लेवल के फोन में ही, आपके नॉर्मल फोन में आपको नहीं मिलने वाला जो बजट रेंज के फोन होते हैं। सो उन फोन्स में आता है दोस्तों सब 6 GHz का बैंड, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। सो ये जो लो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है दोस्तों, ये बेसिकली FDD LTE की तरह ही होता है, जो कि 4G बैंड होता था, यानी कि जो 4G में हमें देखने मिलता था। सो अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जो लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स बेसिकली काम क्या करता है कि जो आप बिल्डिंग्स या ट्रीज वगैरह देखते हैं उनको चीर फाड़ता हुआ जाता है और आपको कॉल क्वालिटी की अच्छी सी सिग्नल क्वालिटी वगैरह वो देता है। सो बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी बैंड का काम है कि आपको अच्छे से सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, बट इसमें आपको दोस्तों स्पीड नहीं मिलेगी। सो जो सब 6 GHz होते हैं दोस्तों, उसमें आपको 100 Mbps से लेके 500 Mbps तक की स्पीड ही मिलती है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही है, 4G से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इसमें सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी बैंड है, यानी कि आपके फ़ोन में सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी बैंड है, तो आपको 5G की स्पीड नहीं मिलेगी, आपको 4G प्लस की ही स्पीड मिलेगी, यानी कि 60-70 Mbps तक की ही स्पीड आपको मिलने वाली है। और आज की डेट में जितने भी 5G फोन्स आ रहे हैं 40-50% दोस्तों उसमें लो फ्रीक्वेंसी बैंड ही है या फिर सिंगल या डुअल बैंड ही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब 5G इंडिया में आएगा तो आपके फ़ोन में वो 5G सपोर्ट ही नहीं करेगा, यानी कि आपको 5G की स्पीड ही नहीं मिलने वाली जो फ़ोन आज आप खरीदने वाले हो 5G का। सो अब मिड रेंज का बैंड क्या होता है दोस्तों, वो एक तरह का ऑलराउंडर बैंड है बेसिकली, वो आपको स्पीड भी प्रोवाइड करता है और आपकी सिग्नल क्वालिटी भी बढ़ाता है। सो दैट्स वाई वी रिकमेंड कि जो भी आप फ़ोन लेना चाह रहे हो आज की डेट में 5G, तो आपको ये इंश्योर करना है कि इसमें लो फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी बैंड होना ही चाहिए। अदरवाइज दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आप 5G फोन मत लीजिए, अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। आपको 5G जब इंडिया में आएगा तो 5G की स्पीड नहीं मिलेगी अगर आपके फ़ोन में ये लो फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं है तो। अब जो mm वेव बैंड है दोस्तों, वो फ्लैगशिप लेवल्स में आता है जैसे मैंने बताया, और आज की डेट में आपको वो iPhone 12 में देखने मिल जाएगा। बट हम फ्लैगशिप लेवल की बात नहीं करते हैं, बजट स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं। अगर आप बजट फ़ोन भी लेना चाहते हैं तो आपको पहली बात तो ये देखना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंड हो, क्योंकि जितने ज़्यादा बैंड होंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि जब इंडिया में 5G आएगा तो पता नहीं कौन से बैंड आने वाले हैं। सो प्रेफरेबल यही रहेगा कि ज़्यादा बैंड हो। और दूसरा दोस्तों,
आपके बैंड्स में लो फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये देख के आप 5G फोन ले सकते हो। अब इंडिया में आज की डेट में दोस्तों तीन बैंड ज्यादा चल रहे हैं, एक N41, एक N77 और एक N78, और ये तीनों ही बैंड लो फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। सो आजकल जितने भी 5G फोन आप देखने वाले हो, बजट फोन्स में आपको जो देखने मिल रहे हैं, वो दोस्तों इन तीन बैंड्स पे ही टिके हुए हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कंपनीज मार्केटिंग गिमिक कर रही है, ये तीन बैंड्स आपको दे रही है और बोल रही है 5G फोन है। बट मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी बैंड अगर आपके फोन में है ना, तो आप जब 5G आएगा तो आपको 60-70 Mbps का ही स्पीड मिलेगा। अब जो इतनी देर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी हमें बेवकूफ बना रही है, उसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। US में जहाँ पे 5G ऑलरेडी फुल फ्लैश्ड है और आपको 1 Gbps वगैरह तक का स्पीड आता है, वहाँ पे OnePlus 9 Pro जो फोन लॉन्च हुआ था उसमें तीन बैंड्स है दोस्तों, N258, N260 एंड N261 mm वेव बैंड्स हैं, और ये आपको हाई फ्रीक्वेंसीज पे 1 Gbps का स्पीड देते हैं। वेयर एज इंडिया में जो OnePlus 9 Pro लॉन्च हुआ है उसमें आपको N41 और N278 बैंड देखने मिलते हैं, सॉरी N78 बैंड देखने मिलते हैं, जो कि लो फ्रीक्वेंसीज बैंड है। और दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब इंडिया में 5G आएगा तो ये आपको 5G की स्पीड देंगे भी नहीं। और कंपनीज को भी ये पता है कि जब तक 5G आएगा आप में से ज़्यादा लोग अपना फ़ोन चेंज कर चुके होंगे और आप 5G की स्पीड एक्सपीरियंस करेंगे ही नहीं इस फ़ोन पे, इसलिए उसको 5G के नाम से बेच रही है और आपसे प्रीमियम चार्ज कर रही है। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि बैंड्स वगैरह क्या होते हैं, बस ये बोल देते हैं इसमें 10 बैंड्स हैं, इसमें 11 बैंड्स हैं, M52 जो भी लॉन्च हुआ उसमें 12 बैंड्स के नाम से वो फेमस होकर बिक रहा है। बट प्लीज़ ये अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या वो 12 के 12 बैंड लो फ्रीक्वेंसी बैंड है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। मैंने अभी तक उसके बारे में रिसर्च नहीं किया है M52 के बारे में, बट आपको खुद पढ़ना पड़ेगा दोस्तों जो भी आप फ़ोन लेना चाहते हैं कि उसमें बैंड्स किस प्रकार के, सिर्फ नंबर ऑफ बैंड्स पे मत जाइए, और भी सारी चीज़ें होती हैं। 5G बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ये बेसिक चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेगी एक 5G फ़ोन लेने से पहले। सो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है 5G से रिलेटेड, और जैसा कि मेरा चैनल वैल्यू फॉर मनी पे बेस्ड है तो मैं यही बोलूँगा कि आज की डेट में आपको 5G फ़ोन नहीं लेना चाहिए, कोई भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बिकॉज अगर मैं ये मान भी लूँ कि आप 5 साल तक अपना फ़ोन चलाएंगे दोस्तों, तो भी जो बैंड्स अभी आ रहे हैं आपको नहीं पता कि वो 5G सपोर्ट करेंगे या नहीं। दैट्स व्हाई आई विल हाईली रिकमेंड कि फिलहाल प्लीज़ ये 5G गिमिक में मत जाइए, 5G फोन्स मत लीजिए। इंडिया में 2-2.5 साल से पहले 5G नहीं आने वाला है। सो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली और आप अपना 5G फ़ोन लेने से पहले आप थोड़ा सा सोचें। सो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा 5G फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 5G फ़ोन लेने का पैसा देना है लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।